जमीनी बुराई के चलते एक महिला सहित तीन लोगों ने पिता पुत्र पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का छतरपुर के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे बमेठा थाना क्षेत्र के ग्राम अमापुरवा निवासी कैलाश यादव उम्र 40 वर्ष अपने 18 वर्षीय पुत्र महेंद्र यादव के साथ काम कर रहा था, तभी जमीनी विवाद के चलते गांव के ब्रजलाल यादव, देवेंद्र यादव और राजाबाई ने उन पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मारपीट में कैलाश और महेंद्र घायल हुए हैं। कैलाश की शिकायत पर बमेठा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 324, 295, 506, 34 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। क्या नाम है आपका? कैलाश यादव। कहाँ के आप? अमापुरवा। कौन सा थाना लगता है? बमेठा थाना। क्या घटना हुई आप लोगों के साथ? सर, अपने खेत में पानी लौट रहे थे, जब बजलाला उनको लड़का या देवेंद्र यादव की घर वाली आई, हम और खड़े थे, हमारा जानकारी ना दी, ऐसे जाकर लठ मारन लगी, कुलरिया मारन लगी। क्यों, क्या विवाद था? सर, पुराना वहाँ विवाद जी तो कि हम आपको गाय अपने पानी लौट रहे थे, कह रहे थे जितने से बारी यारी लगाई बत्ती विवाद की करूँ, और विवाद ना थे। फिर क्या हुआ? घर मारपीट करी, हमारे बैठी में मार दो, सो मोड़ गिर गए मारपीट के बाद। किस किसके साथ मारपीट की? हमारे साथ, हमारे पुत्र महेंद्र के साथ। फिर यहाँ थाने, यहाँ कैसे आए अस्पताल में? यहाँ पहले दवाई करवाई, उधर से अस्पताल ले आए, अस्पताल से उन्हें चन्नगर भेजो, चन्नगर वाला ने पुलिस वाला ने रेफर कर दो, हॉस्पिटल जाओ। कितने टांके आए आपके सर में? 12 टांके आए। किसी से मारपीट की? कुल्हाड़ी। थाने में रिपोर्ट हो गई है जी। आरोपियों को पकड़ा गया कि नहीं अभी? अभी कुछ नहीं पकड़ा गया, ना कुछ हुआ उनके साथ।